हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम आपको मतलब कुछ तगड़ी सी इन्फॉर्मेशन एंड आपने टाइटल थंबनेल को तो देख ही लिया होगा। तो हमारे साथ हमारा एक मित्र है जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना मित्र है हमारा। हम लोग दोनों लोग मतलब साथ ही में स्कूल किया करते थे। बट अभी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भाई मतलब सौरभ जोशी से मिल के आ गए भाई। हम उससे एक दिन बता तो रहे थे भाई, बट मुझे लगा भाई ऐसे ही मतलब हवा में बात हो रही है, रुक जो सिनेमैटिक हटाता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। दोस्तों भाई मतलब सौरभ जोशी से मिलके आ गए हैं, तो इनसे आज थोड़ा सा मतलब डिस्कस करेंगे कि कैसे मतलब ये वहाँ तक पहुँचे और इन्होंने मिल भी लिया। मैं आपको इधर साइड में फ़ोटो आप देख रहे होंगे, तो इन्होंने मतलब ये उनसे कैसे मिले, क्या क्या मिलने में समस्याएँ आई, तो कुछ थोड़ा बताएँगे अभी डिटेल में। तो सबसे पहले बताओ भाई कैसे मतलब प्लान कैसे बन गया यार भाई तुम्हारा। तो सबसे पहले बताओ मतलब लखनऊ होकर लखनऊ से गए थे ना आप? नहीं, ट्रेन कहाँ से पकड़ी सबसे पहले ये बताओ तुम? चार बाग से। कैसे लखनऊ में चार बाग से कहाँ की ट्रेन पकड़ी? हल्द्वानी की ट्रेन है ना लखनऊ से पकड़ी, फिर उसके बाद हल्द्वानी से हम ओलंपिया सोसाइटी गए। ओलंपिया सोसाइटी मतलब हल्द्वानी स्टेशन से। तो भाई ओलंपिया सोसाइटी तुम पहुँच गए, उसके बाद मतलब सौरभ जोशी कैसे मिले आपको थोड़ा सा मतलब? थोड़ा पहले वहाँ पे भैया हम पहुँचे और वहाँ पे हमें वेट करना पड़ा। वेट करने के बाद फिर वो सौरभ भैया चलते चलते बताते हैं दोस्तों। और फिर उसके बाद जो है अपनी पोर्च रोकी और जो ब्लैक कलर की उन्होंने ली है ना। जी जी हाँ। और फिर उसके बाद उन्होंने फोटो क्लिक कराई और फिर उन्होंने कुछ यूट्यूब के बारे में मतलब जो जो तुमने पूछा ये थोड़ा मतलब हिचकिचा रहे बताने में, आपको बताता हूँ। यूट्यूब के बारे में कुछ नॉलेज दिया और बोला कि भाई लोग टिप्स एंड ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा और भाई लोग आप लोग दबा के सपोर्ट करिए भाई को, चैनल को लिंक लाइक शेयर सब करिए। थोड़ा ज्यादा इनको एक्सपीरियंस नहीं है, बट यही मैं सोच रहा था जब जैसे आपने इनका देखा तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, फिर भी ये पहुंच गए वहां पे। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, मतलब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वहां पे पहुंचे, फिर सौरभ जोशी भाई से मिले, तो उन्होंने इनको थोड़ी सी मतलब इन्होंने पूछा उछा तो उन्होंने बताया कि ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े, अपना अच्छा अच्छा कंटेंट बनाइए और यूट्यूब पर डेली रेगुलर अपलोड करिए। कंसिस्टेंसी अगर आपके मतलब अंदर है, मतलब डेली या रेगुलर आप अपलोड कर रहे हैं, फिर वो किसी भी प्रकार का ब्लॉग होना, यही तो बताया ना भाई, यही और सब थंबनेल में इंप्रूव कीजिएगा और क्लिकबेट होना चाहिए, क्लिकबेट हाँ यही सब होना चाहिए जिससे कि मतलब आपका ग्रो हो जाएगा चैनल और मेहनत करते रहिए, यही सब इन्होंने इनसे मतलब बताया। तो भाई मतलब हमको यकीन सा नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, है तो वो भी आदमी है तो ये भी आदमी है ना भाई, क्यों नहीं मिल सकता कोई किसी से। बट ठीक है, कभी हम भी मिलेंगे तो आप लोगों को ब्लॉग जरूर देंगे। बाकी यार ये थोड़ा सा फ़न करते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी हम देखिए यहाँ पे आ गए हैं, इधर पीछे हमारे गाँव के, गाँव हमारा इस साइड में पड़ता है, उस साइड में, और हम लोग आ गए इधर बातें चीते करते करते ब्लॉग के चक्कर में। देखिए पीछे लाही का सरसों इसको बोलते हैं, एंड इस साइड में देखिए ये लगे हुए हैं बंधा, जिनकी आप लोग पकौड़ियाँ खाते होंगे, सब्जियाँ खाते होंगे और क्या क्या खाते हैं, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल और सब कुछ खाते हैं। और अभी आपको अपना स्टैंड दिखाते हैं, ये देखिए हम स्टैंड इससे वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। अभी एक दूसरा नया चैनल अपन खोलेंगे उससे मतलब अपना वीडियो शूट करेंगे, तो सोचा चलो ये ले चलते। वैसे हमारा है नहीं, हमारे भतीजे का है विकास का। तो दोस्तों इधर सरसों का खेत है, आप लोग देख लीजिए इधर तगड़ा वाला, बट यहाँ पे लेटरिन भी बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये गांव वाला एरिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सोच रहा हूँ मैं बैकग्राउंड अच्छा आएगा सिनेमैटिक में, आप वीडियो रिकॉर्ड करिए फिर मैं आपको बताता हूँ। बंदिहाज वाला एरिया है तो ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी नहा धो के आया हूँ गाइस, एकदम तगड़ा वाला। तो चलिए शूट करते हैं यहाँ पे, मैं ट्राई करता हूँ एक और मतलब सोच रहा हूँ एडिटिंग से रिलेटेड, मतलब मैं जो मेरे को ना एडिटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट भी है और आती भी है थोड़ी बहुत, तो मैं सोच रहा हूँ उससे रिलेटेड कुछ बनाओ। तो देखिए मैं स्टैंड लेके आया हूँ घर से अपने ट्राईपोर्ट ही, जैसे बड़ा वाला नहीं छोटा वाला ही, सेल्फी स्टिक स्टिक बोल सकते हैं आप, बट इससे काम हो जाएगा, ये फ़ोन मेरे दोस्त का है। तो चलिए स्टार्ट कर, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत करते हैं थोड़ा बहुत शूट और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हमारे गाँव एरिया में जो भी मतलब इंटरेस्टिंग होता है इस। तो दोस्तों अभी हम लोग मतलब इधर से निकल रहे हैं, इधर से वापसी अपने घर के लिए, और इनका भी वीडियो हमने शूट करवा दिया क्योंकि ये थोड़ा सा ना अभी इसकी चाहते हैं बोलने में, बट कोई बात नहीं सब हो जाएगा धीरे धीरे, सब यूट्यूबर बनेंगे अब धीरे धीरे, सब मोटा पैसा छापेंगे कोई बात नहीं, अभी देखना है। अभी फॉर्चुनर लोगे या फरारी, कैसा लगा मेरा मजाक?
अब ये फॉर्चूनर लेंगे 2 साल बाद अपने यूट्यूब के इनकम से, हम भी एक टूटी फूटी साइकिल तो ले ही लेंगे। तो हम भी अब वो साइकिल लेंगे तब साइकिल से जाएंगे सौरभ जोशी से मिल ले। जस्ट किडिंग गाइस, मजाक कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड, आज है 2रा दिन। तो कल उसके बाद हमने कुछ शूट वूट किया नहीं, तो हमने एंडिंग की नहीं थी ब्लॉग की, तो आज कर देते हैं वीडियो का एंडिंग एंड अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक तगड़े से। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।